हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं निदा और मैं आज आप सभी को बताने जा रही हूं, जिसमें लेडीज़ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहती हैं, आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ रहा है और आपको प्रेगनेंसी के सारे सिम्टम्स फील हो रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, मेरे पास काफ़ी सारे सबसे ज़्यादा क्वेरीज यही हैं कि हमारे प्रेगनेंसी के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं और हमारे पीरियड मिस हो गए हैं और प्रेगनेंसी टेस्ट भी नेगेटिव आ रहा है। हमने 8 दिन बाद 5 दिन बाद प्रेगनेंसी टेस्ट किया है और हमारा प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप कंसीव करना चाहती हैं या आपको लग रहा है आप प्रेग्नेंट हैं और आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ रहा है, आपके पीरियड मिस हो गए हैं, आपको प्रेगनेंसी वाले सारे सिम्टम्स फील हो रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, बहुत सारी लेडीज़ कंफ्यूज रहती हैं, तो आज मैं इसी का आपको आंसर दे रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा आसान है। मैंने काफ़ी सारी लेडीज़ को बोला भी है। देखिए, सबसे पहली चीज़, आप कुछ गलती कर देती हैं जिसकी वजह से आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आता है। तो प्रेगनेंसी के सबसे पहला सिम्टम्स तो आपको पता ही है, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। अगर आपको पीरियड होने से पहले 2 दिन 3 दिन पहले हल्का हल्का ब्लड आया है, स्पॉटिंग हुई है, तो वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है। दूसरी चीज़, आपका पीरियड का मिस हो जाना, ये प्रेगनेंसी का दूसरा लक्षण है। अगर आपके पीरियड मिस हो गए हैं तो सबसे पहले आपके मन में एक ही सवाल आएगा कि मैं कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हूँ। तो ये तो हो गए कुछ सिम्टम्स। इसके अलावा मूड स्विंग, मॉर्निंग सिकनेस, काफ़ी सारे सिम्टम्स हैं जो आपको फील हो रहे हैं। आपको नोज़िया फील हो रहा है, आपको वोमिटिंग जैसा फील हो रहा है, आपके सर में दर्द हो रहा है, आपको बार बार पेशाब आ रहा है। इसके अलावा अगर आपको पैरों में दर्द है, आपको पेट में गैस है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, पीरियड भी मिस हो गए हैं, तो ये सारे लक्षण हैं प्रेगनेंसी के। आपको ये सारे लक्षण भी फील हो रहे हैं और आपने प्रेगनेंसी टेस्ट लगाया तो प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ रहा है। तो देखिए, अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आए तो इसके काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अगर आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो आपका जो है रिजल्ट नेगेटिव आ सकता है। अब मैं आपको बता दूं आपको करना क्या है। देखिए, मैंने सबको ज़्यादातर यही बोला है, अगर आप घर पर टेस्ट कर रही हैं तो एक तो पीरियड मिस होने के 1 हफ्ते के बाद आप टेस्ट करें। अगर 1 हफ्ते के बाद भी आपका टेस्ट नेगेटिव आ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, एक टेस्ट होता है बीटा HCG, यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनोडोट्रोपिन। जब कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसके अंदर एक हार्मोन बनता है HCG, जो कि किट से डिटेक्ट किया जाता है। किट में वो यूरिन में आने लगता है। जब आपके पेशाब में HCG का लेवल इतना हो जाता है कि वो किट में डिटेक्ट किया जाता है, तो उससे आप पता कर लेते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं। लेकिन फिर भी अगर आपने जैसे किट में टेस्ट लगाया है और फिर भी आपका टेस्ट नेगेटिव आ रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, अगर 1 हफ्ते के बाद भी आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ रहा है तो आपको लैब से जाकर बीटा HCG टेस्ट कराना चाहिए। यानी कि ये लैब में आप जाएंगी तो ये आपके ब्लड से किया जाता है। देखिए, आप घर में जो टेस्ट करती हैं वो आप अपने यूरिन से करती हैं, तो यूरिन में लेवल कम रहता है, उसमें इतना जल्दी डिटेक्ट, अगर किसी के अंदर HCG का लेवल कम है और वो प्रेग्नेंट भी है तो आप किट से थोड़ा कम डिटेक्ट हो पाता है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है, सारे सिम्टम्स भी हैं, पीरियड भी मिस हैं और प्रेगनेंसी टेस्ट भी नेगेटिव आ रहा है, तो आपको लैब में जाकर बीटा HCG टेस्ट कराना चाहिए। ये टेस्ट आपके ब्लड से किया जाता है। और अब बात आ जाती है कि ये टेस्ट कितने में होता है। देखिए, अलग अलग जगह के अलग अलग प्राइस हैं, लेकिन 200 से इसकी स्टार्टिंग है, 200 से 400-500 के बीच में ये आपका टेस्ट आसानी से हो जाएगा। दूसरी चीज़, आपके हाथ में इसमें बैंड बांधा जाएगा, इंजेक्शन से आपका थोड़ा सा ब्लड लिया जाएगा उसमें वायल में, और उसके बाद आपको रिजल्ट दे दिया जाता है। अब आप पूछेंगे कि रिजल्ट में क्या आना चाहिए, तो देखिए, लेस देन 5 अगर आपकी वैल्यू आ रही है HCG की लेवल की, तो आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। इसके अलावा मोर देन 5 अगर आपकी वैल्यू आई है HCG की, तो इसका मतलब है आप प्रेग्नेंट हैं। तो ये तो हो गया आपका प्रेगनेंसी टेस्ट बीटा HCG। तो ये जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तो आपके अंदर हार्मोन बनता है। अब बात आ जाती है कि अगर ये इसका लेवल बहुत कम हो तो क्या होता है। देखिए, अगर आपके अंदर बीटा HCG का लेवल बहुत कम होता है तो एक तो आपका टेस्ट ही नेगेटिव आएगा जब आप किट से डिटेक्ट करती हैं। लेकिन किट से आपको ये नहीं पता चल पाता कितने टाइम की प्रेगनेंसी है। अगर आप बीटा HCG टेस्ट कराती हैं तो बीटा HCG टेस्ट में आपकी प्रेगनेंसी का टाइमिंग पता चल जाती है, कितना टाइम हुआ है, कितना वीक हुआ है, कितना क्या है, सब चीज़ बीटा HCG में पता चल जाएगी। और बीटा HCG टेस्ट से आपका कंफर्म हो जाएगा कि आप प्रेग्नेंट हैं या फिर नहीं हैं, आपको किस लिए सिम्टम फील हो रहे हैं। तो अगर आपकी ये
कोई ये परेशानी है कि टेस्ट नेगेटिव आ रहा है, पीरियड मिस हो गए हैं और सारे सिम्टम्स फील हो रहे हैं, तो आप लैब से जाकर बीटा एचसीजी टेस्ट ज़रूर कराएं। उससे आपको कंफर्म हो जाएगा, कंफर्म पता चल जाएगा कि आप प्रेग्नेंट हैं या फिर नहीं हैं। बीटा एचसीजी का लेवल कम होने पर एक चीज़ और हो सकती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी कि जो कि आपको जो प्रेगनेंसी यूट्रस के अलावा बाहर फेलोपियन ट्यूब में ही ग्रो करने लगता है, भ्रूण जो होता है वो वहीं रुक जाता है और वहीं ग्रो करने लगता है, वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। उसमें क्या होता है, एचसीजी का लेवल बहुत ज़्यादा कम होता है। तो ये अगर आप बीटा एचसीजी टेस्ट कराएंगे तो उसमें आपको पता चल जाता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहती हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं। थैंक यू सो मच।